जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री वल्लभादीश की जय। आज ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी है। श्रीनाथ जी में आज उष्ण काल का द्वितीय अभ्यंग है। उष्ण काल में जैसा कि हम जानते हैं कि ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में श्रीनाथ जी में नियम के चार अभ्यंग स्नान और चार शीतल जन स्नान होते हैं। यह आठों स्नान उष्ण से श्रमित प्रभु के सुखार्थ किए जाते हैं। अभ्यंग स्नान प्रातः मंगला उपरांत और शीतल जल स्नान संध्या आरती उपरांत होते हैं। अभ्यंग स्नान में प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है, जबकि शीतल जल स्नान में प्रभु को बरास और गुलाब जल से मिश्रित सुगंधित शीतल जल से स्नान करवाया जाता है। जिस दिन अभ्यंग हो उस दिन गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में प्रभु श्री जी को सतुआ के लड्डू अरोगाए जाते हैं। जिस दिन अभ्यंग और शीतल जल स्नान दोनों हो उस दिन शयन भोग की सकड़ी में विशेष रूप से विविध प्रकार के मीठा रोटी, दही भात, गुला हुआ सतुआ आदि अरोगाए जाते हैं। ऐच्छिक वस्त्र और श्रृंगार के रूप में प्रभु श्रीनाथ जी को आज जो श्रृंगार धराया जाता है उसके गुणगान हम करते हैं। आज श्रीनाथ जी में सफेद रंग के मलमल पर कमल के चित्रांकन से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। आज गादी, तकिया और चरण चौकी के ऊपर श्वेत बिछावट की जाती है। आज की वस्त्र सेवा में प्रभु श्री वल्लभाधीश को आज गुलाबी मलमल की रुपैली जरी की किनारी से सुसज्जित परधनी धराई जाती है। श्रृंगार आभरण सेवा में आज प्रभु को छोटा अर्थात कमर तक का हल्का उष्णकालीन श्रृंगार धराया जाता है। इस उष्णकालीन श्रृंगार के तहत प्रभु श्री जी को आज सर्व आभरण मोती के सुशोभित किए जाते हैं। ठाकुर जी के श्रीमस्तक पर गुलाबी रंग की गोल पाक के ऊपर सिरपेच धराया जाता है। साथ ही लूम तुर्रा धराए जाते हैं और बाईं ओर शीश फूल सुशोभित किए जाते हैं। प्रभु श्री के श्रीकर्ण में आज मोती के एक जोड़ी कर्णफूल धराए जाते हैं। प्रभु गोवर्धन धारण के श्रीकंठ में आज श्वेत पुष्पों की कलात्मक थाक वाली दो सुंदर माला जी सुशोभित की जाती है। श्री जी प्रभु के श्रीहस्त में तीन कमल की कमल छड़ी जीने लहरिया के वेणु जी धराए जाते हैं। साथ ही कटी पर वेत्र जी, एक वेत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पट उष्ण काल का आता है और गोटी छोटी हकीक की आती है। आज संध्या में मोगरे की कली के श्रृंगार होते हैं। ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया से आषाढ़ शुक्ल एकादशी तक प्रभु को मोगरे की कली के श्रृंगार धराए जाते हैं। इसमें प्रातः जैसे वस्त्र आभरण धराए जाते हैं वैसे ही वस्त्र आभरण संध्या आरती में मोगरे की कली से निर्मित कर अद्भुत वस्त्र और वैसे ही आभरण धराए जाते हैं। इनमें जो कली के श्रृंगार होते हैं वो श्रृंगार कुछ श्रृंगार नियत होते हैं और कुछ श्रृंगार मनोरथी वैष्णवों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उसी दिन से अर्थात ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया से खस के बंगला और मोगरे की कली और पुष्पों के बंगले के मनोरथ भी आरंभ होते हैं। उत्थापन दर्शन पश्चात प्रभु को कली के श्रृंगार धराए जाते हैं और श्रृंगार धरते ही भोग के दर्शन खोल दिए जाते हैं। कली के श्रृंगार की भोग सामग्री संध्या आरती में ही आती है। संध्या आरती के पश्चात ये सर्व आभरण, सर्व श्रृंगार बड़े करके शैया जी के पास पधरा दिए जाते हैं। ये जो श्रृंगार धराए जाते हैं, कली के श्रृंगार धराए जाते हैं, ये चार युथाधिपतियों के भाव से चार श्रृंगार परधनी, आड़पंद, धोती, पटका और पिछोड़ा के श्रृंगार धराए जाते हैं। कली के श्रृंगार ब्रज ललनाओं के भाव से किए जाते हैं और इसमें ऐसा भाव है कि ब्रज में ब्रज ललनाएं प्रभु को कली से श्रृंगार कराती है और प्रभु ये श्रृंगार धारण करके नंदालय पधारते हैं। इसमें प्रभु श्रमित होते हैं। इस भाव से अधिक गर्मी हो तब कली के श्रृंगार के अगले दिन प्रभु को अभ्यंग कराया जाता है। जैसा कि आपको विदित है, कल भी कली के श्रृंगार थे और आज प्रभु का अभ्यंग है। उष्ण काल में नियम के चार अभ्यंग होते हैं। आज संध्या आरती में
श्री जी को कली का श्रृंगार पुनः धराया जाएगा। आज की राग सेवा, आज की कीर्तनों की चर्चा करते हैं। मंगला दर्शन में कीर्तन पतित पावन करे का गायन होता है, जबकि राजभोग में कहाँ भेंट आए हो प्रिय ललन के कीर्तन का गायन प्रभु के सम्मुख होता है। आरती के दर्शन में दरस जाए देरी जाके दरस को, और शयन में पायन चंदन लगाऊं का गायन प्रभु के सम्मुख किया जाता है। मान के कीर्तन में आज माननी मान मेरो कहो, और पोड़वे के कीर्तन में रावरी सुख सेज पोड़े का गान होता है। श्रीनाथ जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य नियमानुसार होता है, जैसे चार दर्शनों मंगला राजभोग आरती और शयन के दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है, और प्रभु को नित्य नियमानुसार विविध सामग्रियों का भोग मंगल भोग ग्वाल भोग राजभोग और शयन भोग में प्रभु को अरोगाया जाता है। भोग के दर्शन में प्रभु सुखार्थ श्रीनाथ जी प्रभु के सम्मुख शीतल जल के चांदी के फव्वारे चलाए जाते हैं, और राजभोग उपरांत हर घंटे भीतर और संध्या आरती उपरांत ढोल तिबारी में शीतल जल का छिड़काव किया जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज बस इतना ही। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद।